माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा? उम्मीद करती हूँ बेटा सब ठीक होंगे। तो बेटा आज की हिंदी की क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का बेटा जो हमारा क्लास का विषय है, जो टॉपिक है, वो है पठन कार्य और श्रवण कार्य। पठन कार्य मीन्स बेटा रीडिंग और श्रवण कार्य मीन्स लिसनिंग, डिक्टेशन वर्ड्स। तो पहले हम बेटा पठन कार्य करेंगे। हम पेज नंबर 9 का पठन कार्य मीन्स रीडिंग करेंगे। आप अपनी बुक के पेज नंबर 9 पे आज की डेट और आज का दिन राइट करोगे। ये पठन कार्य बेटा आप किस प्रकार से करना है मैं बताती हूँ, आओ मेरे साथ। तो देख सकते हो बेटा पेज नंबर 9 पे मैंने आज की डेट और आज का दिन राइट किया। चार वर्णों के शब्द मीन्स बेटा हमने चार अक्षरों से बने शब्दों को पढ़ना है। चलो शुरू करते हैं। श ल ग म शलगम, ब र त न बर्तन, टम टम शरबत, सरगम चमचम, कटहल पलटन सहजन, लटकन उबटन, बर्तन गर्दन, उलझन नभजर, नटकट झटपट, अदरक अचरज, सर्कस अवसर, जलचर हसरत, बरगद कसरत, सरपट खटखट। अब बेटा कुछ वाक्य पढ़ते हैं हम। अनवर नटखट मत बन, गड़बड़ मत कर, अचकन पहन, उपवन चल, कसरत कर, असलम उपटन गर्दन पर मल, बर्तन उधर उधर रख, कटहल इधर रख, अजगर मत पकड़, शबनम सर्कस चल, टमटम पर चढ़, अदरक उधर रख, शलगम चख, पनगट पर चल। तो ये था बेटा हमारा पठन कार्य। आपको पता चल गया कि पठन कार्य किस प्रकार से करना है। अब बेटा हमारा दूसरा वाक्य श्रवण कार्य मीन्स लिसनिंग, शुक्लेख मीन्स डिक्टेशन। ये भी बेटा आज ही का काम है। इसमें भी बेटा आज ही की डेट और आज का दिन राइट करोगे। पहली लाइन बेटा श्रवण कार्य लिखोगे, फिर शुक्लेख। श्रवण कार्य जब बेटा जैसे आप इंग्लिश में आपने किया ना लिसनिंग न्यू वर्ड्स, वही है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं बेटा। मैं पढ़ना शुरू करती हूँ। गर्दन सर्कस, बरगद नटखट, उपवन कसरत, बर्तन गड़बड़, अजगर अचकन। तो ये था बेटा हमारा आज का काम। उम्मीद करती हूँ बेटा आज का वर्क आपको समझ में आया होगा। और बेटा ये आपने अपना जो वर्क है अपनी नोटबुक पे सुंदर सुंदर सी हैंडराइटिंग में करना है। आज की क्लास बेटा हम यहीं पे खत्म करते हैं, इस उम्मीद से कि नई कक्षा में बेटा जल्दी ही मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक लिए बेटा बाय, आपका दिन शुभ रहे।